ये देख सकते हैं दो कणक काटने वाले है बंदे, खतरनाक दोनों हैं। हमने जो है पूरा खेत खत्म कर दिया है मम्मी। मैं बहुत तेज काटता हूँ। अच्छा, किसी को बुलाना होगा तो बुला लेना मुझे, मैं बहुत फास्ट करता हूँ और दिन की दिहाड़ी है 2000 रुपये। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने खेत में और अभी जो है शाम के 7 बज रहे और मम्मी ने बोला कि जल्दी से आ जाओ और खेत को, तो हम खेत पहुंच चुके हैं और अब जो है थोड़ा सा काम करेंगे। चलो देखते हैं इनको जो है, मेरे पे दया भी नहीं आती, अभी पहुंचा मैं, देख सकते हैं मैंने जो है कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, वैसे के वैसे ही कपड़ों में मैं आ गया हूँ। अब चलो थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थक गया मैं, दौड़ के आया भी, अभी भी चल रहा हूँ ताकि मेरे को गाड़ी ना पड़े कि वीडियो लग गया, आया और लग गया वीडियो बनाने। तो चलो चलते और देखते हैं उनको काम कर रहे हैं, उनको दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये लगे काम करने और मेरे को गाड़ी देंगे, अभी देखना है किधर को काम नहीं है वीडियो बनाने के अलावा, देखना अभी बोलेंगे मेरे को। ये देखो इधर लगे हुए काम करने, ये देखो जी अपने अपनी शक्लें दिखाओ जी मम्मी, इधर दिखाओ कैसा लग रहा है बढ़ाई करके, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को बुला लिया आपने, काम ये दाऊ ए बेदाया ये देख सकते हैं दो कणक काटने वाले है बंदे, खतरनाक दोनों। मैं तो ऐसे ही हूँ, चलो मैं भी करता हूँ थोड़ा काम, नहीं तो डांट पड़ेगी। अभी अभी आया और लग गया वीडियो बनाने, ठीक है करते हैं काम फिर। दो मेरे पास गाटी, मैं सारी कणक काट दूंगा। तो दोस्तों अब मैं लग गया हूँ गेहूँ काटने और मम्मी मेरे को साथ में गाली दे रही थी कि तेरे को एक ही काम है वीडियो बनाने का और कुछ काम नहीं है, काम नहीं करता है ऐसा वैसा वो सो। अब मैं लग चुका हूँ और मेरे को बैठ के गेहूँ काटनी नहीं आती, तो मैं खड़े खड़े ही गेहूँ काटता हूँ। मेरे को कमेंट करें कि किस किस को खड़े होके ही गेहूँ काटने आती है, तो वीडियो को स्किप मत करें क्योंकि मैं अपनी अपनी स्टोरी, लाइफ की स्टोरी सुनाने चाहता हूँ आपको। क्लाइमेक्स अभी बाकी है। तो अब जो है मैंने थोड़ी फॉरवर्ड कर दी है वीडियो, तो आपको स्टोरी सुना देता हूँ मैं। मेरी दो सिस्टर है और मैं जो है तीसरे नंबर पे हूँ, मेरे से छोटा एक और भाई है जो आर्मी में है। और मैंने जो है जब हम बचपन में थे तो दोनों दीदियाँ बड़ी हैं, तो जब भी हम उनके आता था मैं, तो मैं नाटक करता था कि मेरे को काटनी आ रही, पेट में दर्द है वो सो। तो उस वक्त जो है मेरे को गाली देते थे मम्मी बहुत ज़्यादा, और दीदियाँ पीटती थी और मेरे को घर भेज देती थी कि चला जा तू घर ही चला जा, कुछ काम कर ले, पानी पूनी ले आ या सब्जी काट दे। लेकिन उसके बाद जब उनकी शादी होगी तो बहुत याद आती थी उनकी, और उसके बाद जो इतना मतलब काम करना पड़ गया लाइफ में कि मतलब अब जो है आदत सी बन गया काम से, काम करने के बिना रह नहीं जाता अब तो। और ऑफिस के मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, सीधा आ गया मैं, क्या अभी तो ख़त्म करना है कोई जो मर्जी हो जाए। और इसलिए जो है मैं 7 बजे पहुंचा, तो अब जो है जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से, चाहे 9 बज जाए। और मतलब वो लाइफ बहुत ज़्यादा याद आती है, पुरानी वाली लाइफ अपनी। ये देखो हमने इतनी जल्दी इतना सारा कर दिया, मैं बहुत जल्दी जल्दी करता हूँ, देखो खतरनाक तरीके से हम जल्दी ख़त्म कर देंगे इसको। और इधर जो है हम, मैं और मम्मी फटाफट काट रहे हैं और ज्योति है फटाफट बांध रही है, तो जल्दी हो जाएगा इससे। चलो लग जाते हैं फिर से करने को ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं हमने जो है पूरा खेत ख़त्म कर दिया है, मम्मी को थोड़ा सा बचा हुआ है यहाँ पे, और फिर हम घर निकलने वाले हैं और बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दिया। मैं बहुत तेज काटता हूँ। अच्छा, किसी को बुलाना होगा तो बुला लेना मुझे, मैं बहुत फास्ट करता हूँ और दिन की दिहाड़ी है 2000 रुपये। भाई मारो मुझे, मारो मारो, लेकिन 2000 में काम करूँगा 10000 का। तो फटाक से कमेंट करो जिसको बुलाना है, बुला सकते हैं मेरे को काटने के लिए गेहूँ।
फटाक से। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा टेक केयर। अंधेरा हो रहा है, मैंने सोचा आपको बाय बोल लेते हैं, अब चलते हैं घर को। बाय बाय टाटा टेक केयर।